हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट एटीआई। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं आपको फिलर गेज के बारे में बताने वाला हूं कि फिलर गेज क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको कहां पे यूज़ करते हैं और उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको जानने से पहले मैं रेडियस गेज पिछले क्लास में पढ़ाया था कि रेडियस गेज क्या होते हैं, क्या उनके इम्पोर्टेंस है, और उनसे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जो हमारे फ्रेंड वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख ले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलर गेज। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिलर गेज, मतलब फिलर गेज का परिचय। दूसरा रहेगा मटेरियल ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज किस सामग्री के बनाए जाते हैं, मतलब फिलर गेज को बनाते हैं किस मटेरियल से। तीसरा रहेगा यूजेज ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज का हम लोग कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। और चौथा रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS, शॉर्ट नेम है IS, सेट ऑफ ब्लेड बोलता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो इसका जो ब्लेड होता है वो कितने सेट में सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फिलर गेज है, ठीक है। तो फिलर गेज जो है इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ा कि इसको हमको बनाना पड़ा। तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि जब कोई दो पार्ट्स मिलते हैं, तो उसके बीच में कुछ गैप बनता है, ठीक है। तो उसी गैप को चेक करने के लिए कि उसके बीच में कितना गैप है, तो उसी का इस्तेमाल हम करते हैं फिलर गेज। जैसा कि मैं दो पार्ट्स बनाया हूँ, जैसा कि आप लोग वर्कशॉप में बनाते हैं मेटिंग पार्ट्स, तो वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, गैप होता है। तो कितना गैप होता है वही गैप को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है। तो मान लीजिए ये फिलर गेज का ब्लेड है, ये मान लीजिए ये क्या है, फिलर गेज का ब्लेड है। जैसे कि मेरे पास एक फिटिंग पार्ट्स है, ये मान लीजिए ये फिटिंग पार्ट्स है, ठीक है। देखिए इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ गैप बन रहा है। इसी गैप को मापने के लिए कि ये कितना गैप है, तो उसी गैप को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फिलर गेज का यूज़ करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड या हमारे प्यारे स्टूडेंट हम लोग फिलर गेज बनाए हैं या फिलर गेज का आविष्कार हुआ है। तो ये गेप कितना है, इसी गेप को, इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के ब्लेड लगे होते हैं। जितना गेप लगा होता है अपने हिसाब से या बारी बारी से क्या करते हैं, इसमें डाल के चेक करते हैं कि गेप कितना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिलर गेज, मतलब फिलर गेज का परिचय। फिलर गेज क्या है, क्या चीज़ रहता है, किस चीज़ से ब्लेड कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। बोलता है कि इसमें भी स्टील की कई सारी पत्ती, और इंग्लिश में ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, कई सारी पत्ती होती है जो स्क्रू के द्वारा जॉइंट होता है। जो स्क्रू, ये स्क्रू है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ स्क्रू, ये स्क्रू जॉइंट से जॉइंट है ये ब्लेड। क्या है, इसमें भी स्टील के कई सारी पत्ती होती है जो स्क्रू के द्वारा क्या होते हैं, सब आपस में जॉइंट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रत्येक पत्ती, इंग्लिश में ब्लेड, प्रत्येक पत्ती पर उसकी मोटाई का साइज लिखा होता है। देखिए गौर से अगर आप देख रहे होंगे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ये कोडिंग किया हुआ, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 है, ये 1.5 है, ये 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। तो जितना भी गैप होता है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड के इसके गैप के अनुसार क्या करते हैं, हम लोग ब्लेड को लगा के चेक करते हैं कि कितना एमएम का गैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या मेट्रिक और ब्रिटिश मतलब मेट्रिक बोल लीजिए एमएम, मेट्रिक बोल लीजिए एमएम या मिलीमीटर, ब्रिटिश बोल लीजिए इंच, किसको इंच। ब्रिटिश कौन यूज़ करता है, जनरली वो ब्रिटिश लोग जो हम लोग कह सकते हैं अंग्रेज लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोलता है या मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम दोनों में चेक कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों में उपलब्ध होता है। ये ब्लेड है ना, इसमें ये मेट्रिक का भी होता है और एमएम का भी होता है,
ठीक है, वही बोल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्लेड की चौड़ाई। ये ब्लेड मान लीजिए कि ये ब्लेड है, ये क्या है, ये ब्लेड है, तो इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई होती है, मतलब ये वाला, मतलब कौन वाला, ये वाला, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 12 mm। कितना mm होती है, 12 mm होती है ये वाला, ये पॉइंट से ये पॉइंट 12 mm होती है, ठीक है। और लंबाई, मतलब ये लंबाई, ये लंबाई तो जान ही रहे होंगे दोस्तों आप लोग, ये लंबाई जो है वो होती है 25 mm से 300 mm तक होती है, ठीक है। और जो इसकी मोटाई होती है, और जो मोटाई होती है वो 0.08 से 1 mm तक होती है। मोटाई का बात करें तो ये वाला, मतलब ये कितना मोटा है, ये वाला, हमने बोलते हैं कि इतना मोटा है, इतना मोटा है, ये वाला, इसका बात कर रहा है, ठीक है। ये कितना मोटा होता है, पहला तो इसकी चौड़ाई ये वाला होगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसकी लंबाई, इसकी इसे कितना होता है चौड़ाई, 12 mm, और उसकी लंबाई कितनी होती है 25 से 300 mm, और इसकी जो चौड़ाई होती है, मतलब ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये पतली सा, पतली जैसा है वो, ये इसी का बात कर रहा है कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो मोटाई होती है 0.08 से 1.0 mm तक होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका प्रयोग दो मेटिंग पार्ट्स के अंतर, दो मेटिंग पार्ट्स के अंतर, अंतर मतलब कितना गैप है, इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे, गैप को चेक करता है, क्या करता है, इसका प्रयोग दो मेटिंग पार्ट्स के अंतर या गैप को चेक करता है, ठीक है। ये दो मेटिंग पार्ट्स है, ये दो मेटिंग पार्ट्स से मिल रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में ये जॉब लाया हूँ, फिटिंग जॉब, ये जो दो पार्ट जब मेटिंग करता है, मिलता है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, गैप है, तो गैप को मेजर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका, फीलर गेज का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फीलर गेज को थिकनेस और क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, कौन गेज कहते हैं, थिकनेस मतलब, थिकनेस मतलब होता है मोटाई, और क्लियरेंस थिकनेस और मतलब, या इसको थिकनेस भी बोल सकते हैं और क्लियरेंस गेज भी बोल सकते हैं। क्लियरेंस बोले तो मतलब, क्लियरेंस मतलब बोलते हैं कि थोड़ा क्लियरेंस दीजिए तो, थोड़ा सा जगह दीजिए तो, मतलब इसके बीच में जो गैप होता है, क्लियरेंस को गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियरेंस मतलब थोड़ा क्लियरेंस, मतलब कितना गैप है, कितना जगह है, मतलब ठीक है। क्लियरेंस मतलब क्या होता है, क्लियरेंस मतलब गैप या अंतर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलर गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ देता है क्योंकि बताइए कि फिलर गेज को किस और नाम से जानते हैं, तो इसको हम थिकनेस गेज भी, ऑप्शन में रहेगा थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज, या दोनों रहेगा, या फिर कुछ दो और डिफरेंट नेम रहेंगे। तो आप अगर दोनों रहेगा तो बी, मान लीजिए सी में है बी एंड सी, मतलब ये फिलर गेज भी या थिकनेस, तो दोनों आंसर होगा। अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो कोई एक हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं मटेरियल ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज जो होता है वो किस धातु के या किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मटेरियल ऑफ फिलर गेज। तो मटेरियल ऑफ फिलर गेज मतलब ये फिलर गेज को जो बनाते हैं वो किस मटेरियल से बनाते हैं, तो इसको हम बनाते हैं हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील, जिस जो हम रेडियस गेज को बनाते हैं जिस मटेरियल से, वो उसी स्टील को इसके इसको भी बनाते हैं, ताकि इसके ब्लेड कहीं घिसे ना, डैमेज ना हो, टूटे ना, ना ये मुड़े, और ना इसमें जंग लगे। तो इसको क्या करते हैं, हम अच्छे क्वालिटी से बनाते हैं ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, और एक्यूरेसी हमारा अच्छा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप चलेंगे यूजेज ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज का कहाँ कहाँ यूज़ है। हाँ, तो अब हम जानेंगे यूजेज ऑफ फिलर गेज, कि फिलर गेज का कहाँ कहाँ यूज़ है या कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है, दो आपस में मिलने वाले पार्ट्स के बीच के अंतर, अंतर या गैप बोल लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में अंतर, इंग्लिश में गैप, गैप को चेक करता है। मिलने वाले दो पार्ट्स, दो आपस में मिलने वाले पार्ट्स के बीच के अंतर को, दो मिलने वाले पार्ट्स है ना, ये इसके बीच का अंतर देख रहे हैं, ये वाला, तो ये कितना अंतर है, ये
इसके फिलर गैस के ब्लेड को हम लगा के चेक कर सकते हैं और हमको मालूम चल जाएगा कि कितना गैप है, 15 mm है कि 20 mm है कि 30 mm है। तो हम क्या करेंगे, जब दो पार्ट्स के बीच में हम जब फिलर गैस डाल के चेक करेंगे तो हमें क्या होगा, मालूम चल जाएगा कि कितना गैप है। ठीक है, आते हैं सेकंड पॉइंट पे। स्पार्क प्लग के गैप को चेक करने में, स्पार्क प्लग तो आप लोग बाखूबी जान रहे होंगे कि स्पार्क प्लग जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में, कार में, जो क्या करता है वो इंजन पिस्टन जो होता है, पिस्टन जो होता है ऐसे करके, इसके ऊपर क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। तो इसके बीच में कितना गैप होता है, ये गैप कितना होता है, तो इसी गैप को क्या होता है, इसी गैप को चेक करने के लिए स्पार्क प्लग के गैप को, कि पिस्टन और स्पार्क प्लग में कितना गैप होना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में एक निश्चित गैप होता है जिसका मान होता है 0.3 से 0.7 होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, ये पिस्टन है, ये क्या है, ये पिस्टन हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्पार्क प्लग हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो इसके बीच में क्लियरेंस कितना है या गैप कितना है, गैप कितना है, इसी से हम क्या करते हैं, ये ब्लेड डाल के क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि ये गैप कितना है, कि एक वो एक निश्चित गैप होता है उस दोनों के बीच में, ना ज़्यादा ना कम, एक निश्चित गैप रखते हैं। तो उसी गैप को मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिलर गेज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बेयरिंग क्लियरेंस और अन्य प्रकार के गैप को चेक करने में। बेयरिंग तो जान ही रहे होंगे, जो गोल ये बेयरिंग जान है ना, ये तो ये जो कहीं लगा होता है बेयरिंग, इसके पार्ट्स में मान लीजिए किसी शाफ्ट में लगा हुआ है, ये किसी का है शाफ्ट में लगा हुआ है, तो शाफ्ट के और शाफ्ट उसके बीच में कितना गैप है, तो उसको गैप को क्या मालूम करने के लिए कि कितना गैप है वो दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, क्योंकि हम किसी जॉब को अगर ज़्यादा फिट कर दें तो क्या होगा, जाम हो जाएगा, ज़्यादा लूज कर दें तो क्या होगा, सिर्फ वही बेयरिंग सिर्फ घूम जाएगा। तो उसके बीच में भी क्या होता है, गैप को चेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य प्रकार के और जितने भी तरह के गैप होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं फिलर गेज को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूजेज ऑफ फिलर गेज के बारे में समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सेट ऑफ ब्लेड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो फिलर गेज का जो ब्लेड है वो कितने प्रकार में या कितने सेट में सेट किया गया। ठीक है, जो उतारना चाहते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। हाँ स्टूडेंट, देखिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सेट ऑफ ब्लेड, मतलब भारतीय मानक के अनुसार ब्लेड को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए आते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड इनटू फोर सेट, कितने सेट में डिवाइड किया गया है, फोर सेट में। ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार ये फिलर गेज को, इसके सेट ये कितने कितने सेट में होते हैं, इसको चार भाग में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया मतलब इसको चार सेट के ग्रुप में रखा गया है, कि ये पहला सेट में इतना होगा, दूसरा सेट में इतना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं सेट, ये नंबर ऑफ ब्लेड्स है कि एक सेट में नंबर ऑफ ब्लेड कितना है। ठीक है, फिर उसका थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस मतलब क्या होता है, मोटाई। ठीक है, थिकनेस मतलब मोटाई, अब ब्लेड मतलब क्या, मैंने बता दिया पत्ती है, और सेट मतलब कैसे होता है कि ग्रुप, सेट मतलब मान लीजिए ग्रुप, कि पहला सेट या पहला ग्रुप में कितना है नंबर ऑफ सेट, मतलब कि एक सेट में कितना है, ये बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि इस थैली में कितना है, उस थैली में कितना, तो समझ लीजिए थैली समझ लीजिए एक टाइप का। ठीक है, सेट कि पहला सेट में नंबर ऑफ ब्लेड जो है वो 8 है। ठीक है, और इसका थिकनेस जो होता है, इसका होता है 0.03 से 0.10 तक, क्या करते हैं इसमें क्या होता है, इतना थिकनेस होता है। अगर हमको 0.03 का थिकनेस मापना हो, चेक करना हो, तो हम किस सेट का यूज़ करेंगे, इसका सेट वन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0.03, 0.04, 0.05, ये यहाँ तक चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 0.10 तक जाएगा, मतलब 0.03 से 0.10 तक हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेट में नंबर ऑफ ब्लेड, मतलब ब्लेड की संख्या जो है
ब्लेड की जो संख्या है, पत्ती की संख्या, पत्ती की संख्या, ठीक है, पत्ती की पत्ती की संख्या कि दूसरे सेट में पत्ती की संख्या कितने हैं, 9 हैं। इसको कहाँ तक, इसका थिकनेस जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका थिकनेस जो होता है 0.03 से 0.09 तक, मतलब 0.03 से 0.09 तक क्या कर सकते हैं, किसी बेडिंग पार्ट का या किसी गैप का हम क्या कर सकते हैं, गैप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। 0.03 से लेकर 0.09 तक, मतलब 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 तक मेजर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेट थ्री में। सेट थ्री में क्या है कि इसमें जो होता है नंबर ऑफ ब्लेड्स या पत्ती की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 16 होती है, ठीक है। इसको मेजर कर सकते हैं 0.03 से 0.50 तक, मतलब 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 0.50 तक हम मेजर कर सकते हैं, जहाँ जिस भी साइज का हमको मेजर करना हो। मान लीजिए हमको 0.48 कितना का मेजर करना है, 0.48, तो 0.48 तो सिर्फ इसी में मिलेगा। तो ये सेट कितना नंबर सेट है, सेट नंबर थ्री से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं चौथे सेट में जो होता है पत्ती की संख्या वो उसमें होता है 13, कितना होता है 13। इसमें जो होता है थिकनेस ऑफ ब्लेड, मतलब ब्लेड की जो मोटाई होती है इसमें होती है 0.03 से 0.5 तक, 0.03 से 0.5 तक। इस मतलब इसमें जो होता है बहुत अधिक मोटाई तक आपको मिल जाएगा, किसमें, सेट फोर में, ठीक है। अब बहुत कम किसमें मिलेगा, सेट वन में, कहाँ से कहाँ तक, 0.03 से 0.10 तक ही मिलेगा। अब हमको ज़्यादा थिकनेस या ज़्यादा मोटाई के अगर चेक करना है तो हम सेट फोर का यूज़ कर सकते हैं। ये मोटाई है फ्रेंड, ये क्या है, ये मोटाई है, ये जो मान दिया हुआ ना कि इसके कितना मोटाई तक ये मिलता है, सेट वन में कितना मोटा रहेगा, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये कितना मोटा है, इसी को दिखा रहा कि सेट वन में, सेट टू में, सेट थ्री में, सेट फोर में कहाँ से कहाँ तक रेंज वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक मिलता है। तो ये जो डाटा है आप इसको उतार लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। और अब हम जो अब तक पढ़े हैं उसके सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ये सिर्फ फिलर गेस से है क्वेश्चन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको यहाँ पे नोट करा दिया, और आप लोग इसे घर में रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फीलर गेज की लंबाई होती है, ये फीलर गेज की जो, ये क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लेड होता है, फीलर गेज की लंबाई होती है mm में। लंबाई किसकी पूछ रहा है, ये ब्लेड के पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लेड कर लीजिए, बोलता है फीलर गेज की ब्लेड की लंबाई होती है किसमें, mm में, कितना होती है, 100 से 200 mm या 75 से 300 mm या 10 से 150 mm। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये जो ब्लेड होता है उसका लंबाई जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 75 से 300 mm होता है, 75 से 300 mm या 75 से 300 mm कह लीजिए। और जो ये चौड़ाई होता है वो 12 mm होता है, कितना होता है, वो 12 mm होता है, ठीक है। और जो इसका ये जो इसका थिकनेस होता है वो 0.03 से कितना होता है, 0.03 से कितना होता है, 1.0 होता है, कितना होता है, 1.0 होता है। तो ये क्या पूछ रहा था, फीलर गेज की लंबाई होती है, किसकी लंबाई, ब्लेड की, ये ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, ये होती है 75 से 300 mm, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
फिर पूछ रहा है किस गेज का उपयोग स्पार्क प्लग के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि ये कोई सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है, तो स्पार्क प्लग जो होता है इसके बीच में जो गैप होता है कि जब स्पार्क होता है तो क्या तब ना वो फ्यूल जलता है इंजन के अंदर, तो क्या होता है वहाँ पे एक गैप होता है, क्या होता है एक गैप होता है। तो इसी गैप को मापने के लिए हम लोग किस गैप का यूज़ करते हैं बताइए, रेडियस गेज या फीलर गेज या सिर्फ गेज या होल गेज। तो मैंने पढ़ाया आपको कौन सा गेज, फीलर गेज, कौन सा गेज, फीलर गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फीलर गेज के सेट 3 में IAS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ब्लेड की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बताया कि जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो ब्लेड की जो सेट है वो चार सेट में बांटा गया। पहला जो सेट है उसमें कितना सेट है, उसमें 8 ब्लेडों की संख्या, पहला सेट में ब्लेडों की संख्या 8 है, दूसरा में 9 है, तीसरा में 16 है, चौथा में 13 है। तो कितना पूछ रहा है, ये पूछ रहा सेट 3 में कितना, सेट 3 में, तो सेट 3 में हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फीलर गेज को किस और नाम से भी जाना जाता है, फीलर गेज को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो फीलर गेज को हम बताए थे दोस्तों आपको कि क्लियरेंस गेज के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से, क्लियरेंस गेज के भी नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फीलर गेज की लंबाई किसकी लंबाई, ब्लेड की लंबाई होती है किसमें, एमएम में, 75 से 300 एमएम। फिर दूसरा है किस गेज का उपयोग स्पार्क प्लग के गैप को मापने के लिए करते हैं, किसको मापने के लिए करते हैं, फीलर गेज को, किसको, फीलर गेज को। तीसरा क्वेश्चन है फीलर गेज के सेट थ्री में IAS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ब्लेडों की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 16 होती है। फीलर गेज को किस और नाम से भी जाना जाता है, फीलर गेज का कोई और नाम भी होता है जिसको हम लोग क्लियरेंस गेज और थिकनेस गेज भी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ क्लियरेंस गेज ना होकर थिकनेस गेज होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता। मान लीजिए यहाँ पे क्लियरेंस गेज है, यहाँ पे थिकनेस गेज है और सी में आपको दे दिया BNC, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, BNC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो मैंने आप आज को मैं पढ़ा क्या क्या आपको पढ़ाया ऑब्जेक्टिव में, इंट्रोडक्शन ऑफ फिलर गेज पढ़ाया, उसके बाद फिलर गेज का परिचय, फिलर गेज किसे कहते हैं, क्या क्या होता है, कैसे जुड़ा होता है, क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल ऑफ गेज किस मटेरियल से बने होते हैं, उसके बाद मैंने पढ़ाया यूजेज ऑफ फिलर गेज के कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली इसको कहाँ गैप, दो मेटिंग पार्ट्स के गैप को मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद मैं बताया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो ब्लेड होता है उसको कितने सेट में बांटा गया है, तो उसको 4 सेट में बांटा गया है, ठीक है, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ठीक है। तो ये सब जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से आप रिविज़न कर लें घर में, जहाँ भी अगर कन्फ्यूज़न हो आपको वहाँ पे आप पॉइंट नोट करेंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।